अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम फ्रांस और इटली की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। आज हम फ्रांस और इटली की मिलिट्री पावर, वर्ल्ड मिलिट्री रैंक, लैंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स पर एक तफसीली और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आपके सामने देने जा रहे हैं। फ्रांस और इटली दुनिया के जाने माने मुल्कों में शुमार किए जाते हैं। ग्लोबल रैंक के हिसाब से फ्रांस दुनिया के 140 ममालिक में सातवें नंबर पर आता है, जिसकी आबादी 6,78,48,156 है। इसके मुकाबले में इटली ग्लोबल रैंक के हिसाब से 12वें नंबर पर आता है, इसकी आबादी 6,24,02,659 है। अगर दोनों ममालिक के मिलिट्री फोर्स की बात की जाए तो फ्रांस की आर्मी में एक्टिव मेंबर्स की तादाद 2,70,000 है, जबकि 35,000 रिजर्व मेंबर्स की है। इसमें अगर पैरामिलिट्री के 1,45,000 अफराद को भी मिला लिया जाए तो फ्रांस की टोटल मिलिट्री की तादाद 4,45,000 तक पहुंच जाती है, जबकि इसके मुकाबले में इटली की मिलिट्री फोर्स में 1,75,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, जबकि 20,000 रिजर्व मेंबर्स की है। और इटली की 1,76,000 पैरामिलिट्री को शामिल कर ली जाए तो इटली की टोटल मिलिट्री की तादाद 3,71,000 के लगभग पहुंच जाती है। फ्रांस के पास 406 के करीब टैंक मौजूद हैं। फ्रांस के पास लेक्लर्क टैंक है, जो कि फ्रांस का मेन बैटल टैंक है। इस टैंक के प्राइमरी वेपन में 120 mm की जॉइंट टैंक गन नस्ब की गई है, जबकि सेकेंडरी वेपन में 12.7 mm की कोएक्सियल मशीन गन नस्ब की गई है, जो कि 1100 राउंड फायर कर सकती है, और एक 7.62 mm की भी गन लगाई गई है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का V8X डीजल इंजन फिट किया गया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है और ये 71 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में इटली के पास 200 टैंक मौजूद हैं। इटली का एडियट मैन बैटल टैंक है, इसमें 120 mm की स्मूथ बोर गन नस्ब की गई है। इसके अलावा 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन नस्ब की गई है, जो 2500 राउंड फायर कर सकती है। इस टैंक में V8 12V डीजल इंजन लगाया गया है, जो 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इटली के इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। फ्रांस के पास 4,220 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि इटली के पास 8,500 आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। फ्रांस के पास 109 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, इसके मुकाबले में इटली के पास सिर्फ 54 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। फ्रांस के पास 12 के करीब ट्वेड आर्टिलरी हैं और इटली के पास 108 के करीब ट्वेड आर्टिलरी मौजूद हैं। फ्रांस के पास 13 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, इसके मुकाबले में इटली के पास 21 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। फ्रांस के पास टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 1057 है, इटली के पास टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 876 है। फ्रांस के फाइटर एयरक्राफ्ट की तादाद 269 है और इटली के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की तादाद 92 है। फ्रांस के पास राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा फ्रांस के पास फोर्थ जनरेशन का मिराज फाइटर बम्बर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जो फ्रांस एयरफोर्स की बैकबोन समझा जाता है। इसके मुकाबले में इटली के पास यूरो फाइटर टाइफॉन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसे इटली खुद तैयार करता है। इसके साथ F-35 लाइटिंग एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिन्हें इटली ने अमेरिका से खरीदा है। फ्रांस के पास डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट एक भी मौजूद नहीं, जबकि इटली के पास 94 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं। फ्रांस के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तादाद 169 है, इसके मुकाबले में इटली के पास 188 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फ्रांस के पास 118 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इटली के पास 39 के करीब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फ्रांस के पास 46 के करीब स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और इटली के पास 27 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। फ्रांस के पास टोटल 432 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से 69 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके मुकाबले में इटली के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की तादाद 410 है, जिनमें से 59 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं फ्रांस और इटली की नेवल फोर्स के बारे में। फ्रांस के पास 180 के करीब फ्लीट्स मौजूद हैं, जबकि इटली के पास 249 फ्लीट्स हैं। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इटली के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। फ्रांस के पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर है और इटली के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद नहीं। फ्रांस के पास 10 सबमरीन्स हैं और इटली के पास 8 सबमरीन्स हैं। फ्रांस के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं और इटली के पास सिर्फ 4 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। फ्रांस के पास 11 फ्राइगेट्स हैं, जबकि इटली के पास 12 फ्राइगेट्स हैं। फ्रांस के पास 15 पेट्रोल वेजल्स हैं, इसके मुकाबले में इटली के पास 16 पेट्रोल वेजल्स हैं।
फ्रांस के पास 17 के करीब माइन वारफेयर हैं, जबकि इटली के पास 10 माइन वारफेयर हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल इंफॉर्मेशन ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।